भगवान ने अपने विषय में, कर्म और जन्म के विषय में दिव्य ज्ञान दिया है, और ये भगवद गीता में है और चौथे अध्याय के पहले 10 श्लोकों में है। जो इसको समझने का प्रयास नहीं करता है वो अपने, जो अल्प स्वतंत्रता जीव है उसका दुरुपयोग करता है। हाँ सही है ना, ये बात समझ में आया। तो अब बताइए कि दुनिया में कितने लोग दुरुपयोग करते हैं? सभी दुरुपयोग करते हैं। हाँ पढ़ने वाले भी दुरुपयोग करते हैं, न पढ़ने वाले नहीं, पढ़ने वाले भी नहीं भगवान के दिव्य जन्म और देव उनको नहीं जानते। प्रभुपा जी आगे लिखते हैं, इतने सारे भगवान के शिक्षाओं के उपरांत भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को, सच्चिदानंद स्वरूप को मूर्ख लोग पहले नंबर के मूर्ख नहीं जानते। जो नहीं जानते वो पहले नंबर के मूर्ख है। अब है आगे का विभाग, यज्ञ के उद्देश्य का दूसरा विभाग। पहला था यज्ञ का उद्देश्य का पहला विभाग। तो हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं, किस श्लोक का तात्पर्य पढ़ रहे हैं? 42। क्या है? तस्माद अज्ञान संभूतम ज्ञान, तस्माद अज्ञान संभूतम हृदयस्थम ज्ञानम आसीनम आत्मन चित्तत्व संशयम आदिष्टो तिष्ठ परंतप। तो इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी ने पहला विभाग बताया, क्या यज्ञ का पहला लक्ष्य, यज्ञ के लक्ष्य का पहला हिस्सा। तो यज्ञ का कौन सा नाम बताया प्रभु जी, कौन सा योग प्रभुपाद ने बताया? योग कौन सा है चौथे अध्याय में? कर्म योग और ज्ञान योग है। इस अध्याय में नया एक नाम प्रभुपाद जी ने दिया है भक्ति विनोद ठाकुर के भाष्य से, सनातन योग। सनातन योग और सनातन योग किसको कहते हैं? जीव का स्वरूपगत कार्य, नित्य जीव का स्वरूपगत कार्य। सनातन का मतलब नित्य, तो जीव है नित्य, जीव का जो नित्य कार्य है उसको सनातन योग कहते हैं। और योग शब्द आने से क्या होता है, सब योग आया तो इसका अर्थ क्या हो, वो कार्य भगवान से जुड़ा हुआ है। और प्रभुपाद ने लिखे इस योग के अंतर्गत दो भाग है। इस योग के कौन से दो भाग है? इधर कौन से दो भाग है? द्रव्य में यज्ञ और ज्ञान में यज्ञ। द्रव्य में यज्ञ और ज्ञान में यज्ञ, इसके दो विभाग हैं। इन दो विभागों को प्रभुपाद ने स्पष्ट कैसे किया है? द्रव्य यज्ञ करे आध्यात्मिक दृष्टिकोण न हो तो भौतिक, और द्रव्य यज्ञ में आध्यात्मिक लक्ष्य हो तो आध्यात्मिक उसका लाभ है। यह विभाग पूरा हुआ। दूसरा विभाग है दो स्तर ज्ञान के। पहला स्तर आत्मा के स्वरूपगत ज्ञान, नित्य कृष्ण नित्य सेवा, जीव स्वरूप कृष्ण नित्य दास, और दूसरा भगवान के स्वरूप का बोध। और जिसको ये बोध है वो मुश्किल में नहीं पड़ेगा, उसके लिए बहुत बड़ा लाभदायक है, वो आसानी से भगवान के दिव्य। प्रभुपाद लिखा यहाँ ये है, भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है।
वो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। अब आ गया भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझने, उसके लिए चौथे अध्याय के आरंभ में भगवान ने अपने जन्म और कर्म की दिव्यता का वर्णन किया है। जो गीता में इस सिद्धांत को नहीं समझता वो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और ऐसा व्यक्ति पहले नंबर का, ठीक है। अब ये क्या, मैं भाषा बोल रहा हूँ जो बोलने की भाषा है, लिखने में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और साहित्य होता है, ये भाषा समझी जा सकती है, तो भाषा समझने वाली में बोलना चाहिए। अब है यज्ञ का उद्देश्य दूसरा विभाग, यज्ञ क्यों करते हैं उसके लिए आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, अज्ञान का नाश कृष्ण भावना के विधि विधानों या सिद्धांतों को धीरे धीरे समझने से संभव है। अज्ञान का मिटना, अज्ञान कैसे मिटेगा, बोला कृष्ण भावना के सिद्धांतों को स्वीकार करने से धीरे धीरे अज्ञान मिटेगा। और कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए इस चौथे अध्याय में बहुत सारे यज्ञों का वर्णन है और वो यज्ञ नाम लिखे हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रियों को संयम में करने का यज्ञ, योग साधन का यज्ञ, तप यज्ञ और बहुत सारे, और फिर दिव्य यज्ञ। तो जितने यज्ञ हम 12 कितने गिने थे, 12-13 जो भी यज्ञ थे वो सब यज्ञ काय के लिए हैं, कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए। कैसे करेंगे ये यज्ञ कृष्ण भावना को जागृत, भाई ये यज्ञ कृष्ण भावना को जागृत कैसे करेंगे ये बताइए। जब ये यज्ञ करेंगे वो क्या चीज करेंगे जिससे चेतना शुरू होगी, यज्ञ में क्या होता है जिससे चेतना शुरू होगी, यज्ञ अपने कर्मों को अर्पण करते हैं, भौतिक चीजों को आध्यात्मिक बनाते हैं, भौतों को भौतिक चीजों को आध्यात्मिक बनाते हैं, कुछ त्याग करना पड़ता है यज्ञ के लिए, कुछ देना पड़ता है, निष्काम कर्म करना पड़ता है, निष्काम कर्म हृदय को पवित्र करता है और ज्ञान को यज्ञ में, यज्ञ का अर्थ दूसरा क्या है, सामान्य यज्ञ का अर्थ है बलिदान, कोई चीज देना, यज्ञ का मतलब कुछ अर्पण करना, तो जब कुछ चीजें देंगे तो हृदय पवित्र होगा, तो पवित्र हृदय में कृष्ण भावना का जागृत होना संभव है। तो होगा क्या यज्ञ से, हमने क्या सीखा, सारे यज्ञों का परम लक्ष्य क्या है, एक शब्द है, सारे यज्ञ परिपूर्ण होते हैं जिसको आवाज़ मिले कृष्ण भावना, एक शब्द पड़ा, पूरा विभाग है चौथे अध्याय का, चौथे अध्याय का पूरा विभाग है, सारे यज्ञ परिपूर्ण होते हैं किसमें, ज्ञान में, क्या एक शब्द पक्का करो किसमें, सारे यज्ञ परिपूर्ण होते हैं ज्ञान में। अब इसको समझना है तो कैसे समझेंगे, क्योंकि यज्ञ निष्काम कर्म है और निष्काम कर्म से हृदय शुद्ध होता है तो ज्ञान में प्रवेश होता है, तो इसकी विधि ये होगी, कैसे करेगा ज्ञान, यज्ञ कैसे ज्ञान लाएगा, बोला निष्काम कर्म से, यज्ञ निष्काम कर्म है जो हृदय को शुद्ध करेगा और तब ज्ञान में, ज्ञान का उदय होगा, ठीक है। और भी यज्ञ आगे थे, स्वाध्याय यज्ञ था, वर्ण आश्रम के अंतर्गत शिव प्रभुपाद ने ये पूरा लिस्ट लिखी है, देखा लिखी है ना पुस्तक में अपने, लंबी लिस्ट लिखी है यज्ञ होंगे, वर्ण आश्रम विभाजन ये सब लिखा है,
इन सबको यज्ञ कहा जाता है। और ये सारे यज्ञ किसके ऊपर आधारित है? नियमित कर्म के ऊपर आधारित है। नियमित कर्म का किसके ऊपर आधारित है? वर्ण आश्रम के। वर्ण आश्रम के नियमित कर्मों के ऊपर आधारित है सारे यज्ञ। तो यज्ञ यज्ञ कैसे होंगे? कर्म से होंगे। कहां से आए यज्ञ? ये कर्म यज्ञ का करने का कहां आदेश है? वेद में। वेद ने कर्म का आदेश दिया, कर्म से यज्ञ होगा और यज्ञ से हृदय पवित्र होगा और ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है, अब प्रभुपाद जी कहते हैं इन सारे यज्ञों के अंदर, इन सारे कार्यों के अंदर, ये जो जिसको कौन से कार्य, कौन से कार्य अभी लिखा? नियमित कार्य के अंदर, नियम वाले जो कार्य है वेदों में लिखे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? बहुत मुख्य उद्देश्य उसका क्या लिखे, देखो किताब में क्या लिखा, आत्म साक्षात्कार करना। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा का साक्षात्कार का मतलब। साक्षात्कार का अर्थ क्या है? आपने साक्षात्कार किसको समझते थे? साक्षात्कार के किसको कहते हैं? पत्रकार जब आमने सामने बात करते हैं कहते हैं साक्षात्कार। तो आत्मा की अनुभूति होना, आत्मा की अनुभूति होना। तो ये सारे कार्य जो नियमित कार्य हैं जिनके द्वारा यज्ञ होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। अब प्रभुपाद जी इस आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य के विषय में, जो भगवत गीता में इसको जानता है अच्छी तरह से, वो है भगवत गीता का वास्तविक पाठक। और जो इसको नहीं जानता है और इसके विषय में संदेह करता है, उसका पतन होता है। कृष्ण के वचनों के ऊपर, अधिकृत वचनों के ऊपर संदेह करने वाले का पतन होता है। ये प्रभुपाद जी ने कहां से लिखा? आपके विचार में ये लिखा कहां से लिखा? दो श्लोकों का भाव लिखा है। कौन से दो श्लोक हमने पढ़े हैं इनसे पहले? 39, 40, 41 या 39, 40 अन्य अधिकारी और अधिकारी, ज्ञान के अधिकारी और अनधिकारी, एक अधिकारी एक अनधिकारी। जो अधिकारी है वो वास्तविक है, जो अनधिकारी है वो उनका पतन होगा। तो वास्तव में तीन कौन से विशेषता थी, कौन योग्य कौन है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? तीन चीजें, श्रद्धावान, श्रद्धावान लभते ज्ञानम फिर तत्पर संयत इंद्रिय। तीन बातें, क्या तीन बातें थी दोबारा याद कीजिए? श्रद्धावान कर्म में, वो जो जिस जो श्रद्धा जिस चीज की है उसको करने के लिए तत्पर, और इंद्रियों को संयम। तीन बातें, इंद्रिय संयम, इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, और जिसके ऊपर श्रद्धा है उस करने में तत्परता, उस पे निश्चय आत्मिक काम करें। और कौन अधिकारी है? तीन क्या है उसमें? अज्ञा, अश्रद्धालु, संशय आत्मा। और इन तीनों को प्रभुपाद जी ने कैसे समझाया, इस तरह इसका कैसे समझाया? अज्ञा किसको कहते हैं? जो शास्त्रों के ज्ञान को न जाने पशु जैसा अज्ञानी कहलाता है, ये हुआ अज्ञा की परिभाषा। अश्रद्धालु की परिभाषा प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? जो शास्त्रों श्रद्धा नहीं रखते, शास्त्र को जानता है, श्लोक उद्धृत करता है, परंतु जो लिखा है उसके ऊपर विश्वास नहीं। और तीसरा है संशय, इसका क्या परिभाषा है? ये पद में स्थिति लाभ होगा क्या नहीं, सही है क्या नहीं, ज्ञान भी है, श्रद्धा भी है, परंतु संशय है किसके ऊपर? शास्त्र के सिद्धांत है, इसमें सबको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा,
हाँ मेरा लक्ष्य इससे पूरा होगा कि नहीं करूंगा, लक्ष्य के ऊपर संदेह, क्या ये भक्ति में कर रहा हूं इससे भगवान मिलेगा, भगवान का धाम मिलेगा कि नहीं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा संशय वाला विनश्य। तो उन्हीं बातों को प्रभुपाद जी ने यह कैसे लिखा है, देखो ये दोनों बातों को प्रभुपाद ने कैसे लिखा है, अब यह अंतिम लाइन को पढ़ो कैसे लिखा है। वास्तविक पाठक गीता का कौन है, जो गीता के उद्देश्य को समझता है, और जो इसको नहीं समझता है इसमें संदेह करता है वो उसका पतन है। अब इस तात्पर्य का चौथा विभाग, अभी अंतिम विभाग है, दिव्य ज्ञान को विधिवत सीखना। प्रॉपरली का मतलब विधिवत, दिव्य ज्ञान को विधिवत सीखना, ये इसके तात्पर्य का चौथा विभाग है। विधिवत दिव्य ज्ञान को सीखना, और ये प्रभुपाद जी ने पहली लाइन लिखी है, कहां से लिखी है जरा आप बताइए, कोई बुद्धि से पढ़ के क्या लिखा है। अतः ये सबको सलाह दी जाती है, परामर्श दिया जाता है, भगवद गीता अथवा कोई और शास्त्र प्रमाणिक गुरु के सेवा और शरणागति से सीखना चाहिए। कौन सा श्लोक है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवा। तो ये वो श्लोक है, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए कौन सी पूरे, देखो अध्याय का सारा लिखा है कि नहीं प्रभुपाद ने, इस तात्पर्य में पूरा अध्याय लिखा है। अब प्रभुपाद लिखते हैं अब प्रभुपाद ने दूसरे श्लोक का, भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक के आधार के ऊपर लिखा है कि प्रमाणिक गुरु कौन है, जो सिख परंपरा में आए, कब से आए, अनादि काल से, और जो भगवान ने सूर्य देव को दिया था उसी शिक्षा में कोई भी परिवर्तन न करे, यथारूप उस शिक्षा को दे। और तब से ये शिक्षा कैसे धरती के ऊपर आई है तो हम जानते हैं, इक्ष्वाकु महाराज लाए, ठीक है। इसलिए गीता के मार्ग पे जैसे गीता ने सिखाया है ऐसे ही चलना चाहिए, और सावधान होना चाहिए, किससे लिखा गया है सावधान होना चाहिए, स्वार्थी, स्वार्थी अपने अपने मान, अपने मान सम्मान के लिए गीता का अर्थ अपने मनमाना अर्थ निकालते हैं, उनसे सावधान होना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और उनके सारे कार्य दिव्य है, और जो इसको जानता है वो मुक्ति के मार्ग पे है। वो तो भगवद गीता के आरंभ से ही मुक्त है, जैसे भगवद गीता का आरंभ करता है तो उसको मुक्त ही समझना चाहिए। यहां हमारा ये तात्पर्य पूरा होता है। तो इसके चार विभाग आपने देखे अभी, ये चार विभाग श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने किए हैं ऐसे, और श्री प्रभुपाद ने ये तात्पर्य वहां से लिया है। तो यहां हमारा चौथा अध्याय आज पूर्ण आवृत्ति पे पहुंचता है, दिव्य ज्ञान वाला ये अध्याय। सो, इस अध्याय के विषय में आपका कोई और प्रश्न है, जिज्ञासा है, नहीं तो आज कुछ और काम करें, एक्सपेरिमेंट करें, कुछ आप लोग यहाँ बैठ के कुछ पढ़ें बताएं। पहले कोई प्रश्न है, अच्छा हमारा एक प्रश्न तो गुरु जी के विषय, और क्या इस विषय में और क्या प्रश्न बचे हैं।
अंतिम प्रश्न क्या है? श्रद्धालु व्यक्ति एवं संशयग्रस्त व्यक्ति की क्या गति होती है? संशयालु व्यक्ति और अश्रद्धालु की क्या गति होता है? क्या गति होता है? क्या गति होता है? पतन होता है। एक श्रद्धालु और श्रद्धालु को ज्ञान मिलता है, संशय वाले का पतन होता है। नहीं तो ऐसे ही है सीधा। हाँ, दोनों श्लोकों को देख के साथ हाँ जी। और कोई प्रश्न रह गया क्या? नहीं तो फिर अब हम दूसरा कोई आज एक अभ्यास करते हैं। हमारे पास है आधा पौना घंटा, एक नया अभ्यास शुरू करते हैं। नौ नंबर श्लोक को की प्राप्ति में तीन बाधक आसक्ति भय और क्रोध की व्याख्या की स्थिर बहुपद किस तरह करता है? बहुत अच्छा श्लोक है। हमने आपको उस दिन इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ा नहीं था, आपको तीन शब्द सिखाए थे। वीत का मतलब छोड़ना, राग भय और क्रोध, इनके लिए तीन शब्द बताए थे। बताइए कर्मी ज्ञानी, कर्मी निर्विशेषवादी और शून्यवादी, कर्मी निर्विशेषवादी और शून्यवादी। कोई भी आसक्ति, कर्मी की है आसक्ति, ज्ञानी का है भय कि मेरा शरीर रहेगा, मेरा रूप रहेगा तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता हूँ, ये उसको भय है। और जो इधर उधर के सारे सुन के कहता सब कुछ नहीं है, सुनिए, जो या तो नशे जाकर नशा करेगा या तो फिर शून्यवादी में जाएगा, नहीं तो हिप्पी बनेगा, नशा करेगा, प्रभुपाद ने लिखा है। परंतु ये हमने तात्पर्य पढ़ा नहीं था, आज इस तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, इसके तात्पर्य में आचार्यों के भाव को भी पढ़ लेते हैं। भगवद गीता है, अच्छा ओके। चार का ये है दस, ओके। वीत राग भय क्रोधा पवित्र होंगे, मेरे प्रेम को प्राप्त किया किसने? बहु बहुत साल में। कैसे? ज्ञान और तपस्या, ज्ञान से और तपस्या से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और तपस्या किया, और बहुत से लोगों ने पवित्र होकर ज्ञान और तपस्या से मेरे प्रेम को प्राप्त किया। तो कौन सी ज्ञान और तपस्या किया? वह तीन चीजों का त्याग किया। राग वीत का मतलब त्याग किया किसको? राग को, भय को और क्रोध को। और क्या किया? एक बार मन मया माम उपाशंका, इसका अर्थ क्या है? मन मया मन मया मैं मुझ में मन को तलील किया। कैसे? श्रवण कीर्तन से। बलदेव विद्याभूषण और विश्व चक्रवर्ती दोनों कहते हैं मन मया माम, मन मया का मतलब मुझ में मन श्रवण कीर्तन के द्वारा लगाया।
मन मुझ में श्रवण कीर्तन के द्वारा लगाया, और माम उपाशक्ता का मतलब मेरा उपाश्रंत, आश्रम का मतलब क्या, आश्रय का मतलब क्या, शरण लेना, मेरा शरण लेकर, मेरा शरण लेकर मन मुझ में कीर्तन श्रवण कीर्तन से लगाकर पवित्र होकर ज्ञान से तपस्या से मेरे प्रेम को प्राप्त किया, तीन चीजों को छोड़ के। अब तीन चीजों के लिए बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं वो समझ लेते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझ लेते हैं। पहले नहीं आज भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, बलदेव विद्या बोला आज भी बहुत से लोग इस मेरे जन्म और कर्म के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो रहे हैं। ये तो बात क्योंकि आगे यही बात चली आ रही है, और भगवान यहां अपने उस जन्म और कर्म की दिव्यता का प्रमाण देते कहते बहुत से पहले आ चुके हैं तपस्या से और ज्ञान से पवित्र हुए और मेरे भाव को प्राप्त किया। और ये ज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान, जन्म और कर्म का ज्ञान है, कौन सा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, तो जन्म और कर्म में जन्म और कर्म के दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया। बोला तपस्या क्या है, बोला इस बात को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना तपस्या है, ये बात समझने के लिए जो शास्त्रों का अध्ययन किया वो तपस्या है, स्वाध्याय किया वो तपस्या है। और तपस्या का दूसरा कारण क्या लिखते हैं कि बहुत तर्क करने वालों का खंडन करना भी तपस्या है, आप प्रचार करने जाओ शाम लोग उसके तर्क करें तो उनका खंडन करें ये भी तपस्या है। तो वितरकों का खंडन की तपस्या शास्त्र के अंदर से भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की प्रमाण तक प्रमाण उसके लिए ढूंढना ये तपस्या है। ये कैसे, ये लोग कैसे हैं जिन्होंने ऐसे प्राप्त किया, तो कहते हैं उन्होंने किसको छोड़ा, राग को छोड़ा, भय को छोड़ा और क्रोध को छोड़ा और मेरी सेवा में लगे मां उपाशक्ता शरदासी, केवल मेरी मन माया मेरी केवल मेरी एकमात्र सेवा में लगे शरदासी। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी पहली जो लाइन लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं राग के लिए, राग के लिए क्या लिख रहे हैं, जैसे ऊपर कहा गया है ये बहुत मुश्किल है, क्या मुश्किल है, कठिन क्या है, भगवान के परम सत्य आसक्त व्यक्ति भगवान के परम सत्य को नहीं समझ सकता है। इसका मतलब कौन है ये आसक्त, कौन है, रागी, बहुत जिसको राग है, राग कहां से आया, बोला शरीर में आसक्त है, भगवान ने क्या लिखा वो शरीर में आसक्त है और शरीर के ही भौतिक कार्य में लगे हैं, इसलिए परम पुरुष भगवान को जानना उनके लिए संभव नहीं। तो ये किसका है, आसक्ति। अब ऐसे भौतिकवादी भगवान का दिव्य विग्रह है जो अविनाशी है जो पूर्ण ज्ञान और आनंदमय है, उनका भौतिक विचारधारा है और उनका पूरा शरीर, हाँ उनका विचार है कि भगवान का शरीर भी नाशवंत है, अज्ञान से भरपूर है और दुखदायी है, क्योंकि हमारा जो शरीर अज्ञान से भरपूर है दुखदायी है नाशवंत है, तो भगवान का भी ऐसा होगा। तो ये असल में कौन हो गए, भौतिकवादी निराकारवादी। तो ये जो है भय की परिभाषा यहां से शुरू हुई,
प्रभुपाद जी कभी आगे पीछे लिखते 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 यहाँ ये भय की परिभाषा। अब कैसे, इसलिए जो भगवान के शरीर को अपने मन में अपने जैसा समझता है, हमारा जैसे शरीर है ऐसा भगवान का शरीर है, हमको दर्द होगा उसको दर्द होगा, हमको भूख लगती है उसको भूख लगती है, अगर ये विचारधारा होगी प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो ऐसे जो भौतिकवादी लोग हैं वो क्या मानते हैं, भगवान के कौन से रूप को मानते हैं, विराट रूप को, विश्व रूप को जो भौतिक है। आज एक शब्द याद करके पक्का याद कर लीजिए, भगवान का विश्व रूप भौतिक है, भौतिक जगत में है और अस्थाई है, इसका कोई भी अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं। भगवान का विश्व रूप भौतिक जगत में है, अस्थाई है, जैसे भौतिक जगत अस्थाई है ऐसे अस्थाई है, इसका कोई अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है, और इसके उपासक भौतिकवादी नव शिक्षक होते हैं, भक्तों को इसमें कोई रुचि नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते ऐसे भौतिकवादी, ये मायावादी लोग कहते विराट रूप तो मान है, विश्व रूप मान है, परंतु कृष्ण नहीं। दिखाया किसने विश्व रूप, कृष्ण ने, जिसने दिखाया उसकी मान वो मान नहीं है, जो दिखाया वो चीज मान है। यही दुनिया सारी की समस्या है, प्रभुता को भजे सबो प्रभु को भजे न कोई, भगवान की जो ये प्रभुता है दुनिया इसके पीछे सब पड़े हुए, लेकिन भगवान का कोई भजन नहीं कर। बहुत बहुत सुंदर है नवयुवती कन्या थी, महात्मा उसको एक लाल कपड़े वाला ऐसे घूर घूर के देख रहा, उसने कहा महाराज सन्यासी होकर नवयुवती को देख रहा है, बोले इसको नहीं देख रहा हूं, इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इसको जिसने बनाया है वो कितना सुंदर होगा, तो मैं इसको नहीं देख रहा हूं, इसको बनाने वाले को देख रहा हूं। तो जो ये संसार बनाया है उसके बनाने वाले को देखना चाहिए, ये संसार को देखना चाहिए। एक महात्मा के पास एक व्यक्ति क्या संसार था, उसने कहा महाराज कुछ शिक्षा दो। महाराज ने कहा शेर बनो, कुत्ता मत बनो। इसका क्या अर्थ माता जी, महाराज इसका अर्थ क्या, बोला कुत्ते को आप पत्थर मारो, कुत्ता पत्थर की ओर भागेगा आपकी तरफ नहीं आएगा। शेर मारने वाले को देखता है, किससे मारता है इसको नहीं देखता है, दोनों में अंतर पता लगा। कुत्ता जो चीज मारोगे उसके पीछे भागेगा, मारने वाले को नहीं देखेगा, और शेर किससे मारता है नहीं कौन मारता है उसको देखता है। बोला इसका अर्थ है तुम सबके पीछे भगवान को देखो, दुनिया में क्या हो रहा है उसको मत देखो, इसके पीछे काम कौन कर रहा है उसको देखो। क्या हम तो देखते हैं सामने वाली चीज, इसके पीछे कौन है। तब महात्मा कहते सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, उसको आदर दीजिए जो भेजे भगवान, भगवान ने भेजा है, दुख आया तो मेहमान है चला जाएगा, रहेगा तुम रुकेगा क्या, दुख नहीं चला जाएगा, और सुख भी पकड़ो तो भी नहीं रुकेगा जाएगा, इसलिए नमस्कार करो भगवान ने भेजा है। तो यहां बात क्या कर रहे थे, ये भौतिकवादी भगवान के सच्चित आनंद स्वरूप में विश्वास नहीं रखते, उसको अपने जैसा मानते हैं, परंतु विराट रूप में उनकी आसक्ति होती है उसको मानते हैं। प्रभुपाद जी लिख के फिर क्या कहते हैं, इसलिए निर्णय क्या निकालते हैं कि भगवान निराकार है। निर्णय क्या निकाला, भगवान है निराकार। इसलिए मुक्ति के उपरांत हमारा आकार रहा तो बड़ा दुखदायी होगा, यह है मायावादी निर्विशेष निराकारवादी।
उनका भय क्या है? मुक्ति के उपरांत शरीर का रहना उनके लिए भयानक है, नहीं चाहिए शरीर, ब्रह्मलीन होना है उनको। जब भगवान के व्यक्तिगत गुण रूप नाम लीला और उसके शरीर के विषय में बताया जाता है तो उनको भय लगता है, वो तो ब्रह्मलीन होना ही चाहते हैं। और किसमें लीन होना चाहते हैं प्रभु? निर्विशेष में लीन होना चाहते हैं, ये लिखा है ना। निराकार शून्य में लीन होना चाहते, ठीक है। तो ऐसे जो भयभीत हैं उनका कारण क्या है? ये जो भय के जितने स्तर है जीवन में, जिनको आध्यात्मिक अस्तित्व भगवान के का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो भयभीत है। ये भय किसके अंदर रहता है? जिसको भगवान के अस्तित्व का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आगे आगे ऐसे कुछ लोग हैं वो तो आध्यात्मिक अस्तित्व को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। ये हो गए तीसरे। अब चर्चा चल रही है तीसरे वाले की, किसकी? क्रोध वाले। तो पहला राग वाला पूरा होगा, भय वाला पूरा हो गया, अब क्रोध वाला शुरू हो रहा है। बहुत से सिद्धांत एक दूसरे के विरोध जो दर्शन है और मन का मनोकल्पना है उनसे इतने वो हताश हो जाते हैं, वो मूर्ख ये निर्णय निकाल देते हैं सब कुछ शून्य है, अंत में सब कुछ शून्य है, सब कुछ अंत में शून्य है, ऐसे लिखा है ना। अब यहां इतना लिख के प्रभुपाद जी फिर पुनः सबको साथ मिला रहे, ऐसे लोग रोगी, उनकी रोगी स्थिति है, ये लोग बीमार हैं, जीवन के विषय में बीमार हैं, कुछ उसमें भौतिकता में, ये देखो पुनः प्रभुपाद जी तीनों को दोबारा इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ है आस, कुछ है क्या है रागी, कुछ है रागी, इसलिए उनको आध्यात्मिक जीवन में कोई रुचि नहीं, और उनमें से कुछ ब्रह्म में लीन होने वाले हैं। ठीक है, और कुछ किसी में विश्वास नहीं करते, इसलिए क्रोधित हो जाते हैं, निराशा क्या हो, क्यों क्रोधित होते हैं? निराशा के कारण, निराशा के कारण कुछ समझ में नहीं आता, ये कह रहा है, वो कह रहा है, क्या होता है, कुछ भी नहीं, ये हाँ। और ऐसे लोग क्या करते हैं? अब तीनों को एक लाइन में प्रभुपाद ने लिखा है और फिर लिखते हैं ये जो क्रोध वाले हैं, ये शून्य वाले हैं, ये किसी नशे का सहारा लेते हैं, मादक पदार्थ का सहारा लेते हैं, और उससे जो थोड़ा सा उनको नकली क्या मति भ्रम होती है, किसको मति भ्रम का आत्मिक दृष्टि मान लेते हैं, जैसे बहुत सारे प्रभुपाद जी के समय में हिप्पी लोग वो गांजा पीते थे और कहते थे हाँ बहुत भगवान दिख रहा है, भगवान दिख रहा है, उतरने के बाद अपने आप को ही नहीं देखते थे, फिर पागल। तो इसके उपरांत फिर प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? अब प्रभुपाद जी फिर तुम्हारा तीनों के लिए लिखते हैं, तीनों स्तरों से, राग से, भौतिक भय से और क्रोध से हमको बचना चाहिए। तीनों को पुनः कथा करके एक लाइन में लिखा है, भाषा थोड़ी सी संस्कृत साहित्य के है लेकिन अर्थ ये तीनों है, ये लग रहा है कि नहीं, तीनों लिखे हैं ना, तीनों को पुनः लिखा है, पहले एक एक करके लिखा, फिर दो बार तीनों को कठा लिखा,
इसलिए वीत काल से पहले, इसलिए वीत त्यागना चाहिए। तीनों स्तर को कौन सा? आसक्ति का स्तर, भौतिक हाँ, और आध्यात्मिक जीवन का निग्निजंस क्या दिखाए? कुछ निग्निजंस, उसका कोई उनका महत्व नहीं देना, आध्यात्मिक जीवन को महत्व नहीं देना, उपेक्षा। और इन तीनों चीजों के छूटने के लिए प्रभुपाद जी कहते क्या करना चाहिए? ये कौन सा श्लोक है? श्लोक में कौन सा शब्द है? मत परा मन मना नहीं, इसी श्लोक में शब्द है मत मद आश्रय है, मन मया मद आश्रय, मद आश्रय ये मेरा शरण लेने से ये हो सकता है। माँ उपासते ठीक है, मनमया माँ उपासना उपाश्रिता, ये वो शब्द है। ये तीनों स्तर से बचने के लिए मैं भगवान का शरण लेना चाहिए। लेकिन भगवान का शरण कैसे ले? गुरु के निर्देश में। कौन से गुरु के निर्देश में? जो शिष्य गुरु की परंपरा में आया है, और उससे क्या सीखना चाहिए? साधन भक्ति। ये जो लिखा है ना रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस का आता है साधन भक्ति, क्या लिखा है? भक्ति के इसको कहते हैं साधन भक्ति सीखनी चाहिए। तो इन तीन चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान का शरण लेना चाहिए। कैसे? गुरु के शरण में। कौन से गुरु के? प्रमाणिक गुरु के। प्रमाणिक गुरु कौन होता है? जो शिष्य गुरु परंपरा में हो। उससे क्या सीखना है? साधन भक्ति के नियम। ये लिखा एक लाइन है, लेकिन इसको आप ऐसे टुकड़ा करके समझोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ऐसे पढ़ के जाओगे तो अटकेगा नहीं, लग रहा है ऐसे अटकने ऐसे आप ये है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे उनका तात्पर्य ऐसा होता है कि ये क्यों ऐसे लिखा है, इसका अर्थ क्या है, प्रश्न उत्तर उसमें आप स्वयं करो। अब प्रभुपाद जी आते हैं मदभावम के ऊपर। भाव भक्ति साधन भक्ति का उद्देश्य भाव भक्ति को उत्पन्न करना है। इसका मतलब भाव साधु भाव जो है भक्ति का अंतिम चरण है। प्रभुपाद ने भाव और प्रेम को साथ मिला है क्योंकि दोनों में अंतर नहीं है। तो भगवान का शरण लेंगे, गुरु से साधन भक्ति सीखेंगे, तो साधन भक्ति क्या करेगी? भाव भक्ति को प्रकट करेगी। एक लाइन और बढ़ा दो, अभी जो हमने बताया उसमें एक लाइन और बढ़ा दो। गुरु से साधन भक्ति सीखेंगे वो क्या करेगी? बोलो भाव भक्ति को जागृत करेगी। फिर प्रभुपाद जी भक्ति सामित सिंधु से ये भाव तक कैसे पहुंचा जाए, उसका क्रम क्या है, वो पूरा एक श्लोक दिया है। आदौ श्रद्धा साधु सतत साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवर्ति ततो निष्ठा रुचि तथा आसक्ति ततो भावा तथा प्रेमा अभ्युचित्ति साधकानां प्रेरणा प्रोधा प्रादुर्भाव भवेत क्रमः। और ये सब लिख कर प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं धीरे धीरे भक्ति के साधनों से गुरु के निर्देश में हम उत्तम स्तर के ऊपर पहुंच जाएंगे, और राग से भय से और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। और कैसे? भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को समझ के, तब हमारे को ये निर्विशेष और शून्यवाद प्रभुपाद जी का मंत्र लिख दिया। प्रभुपाद ने लिखा है निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य सारणा, ये प्रभुपाद ने लिखा असल में ऐसे जैसे स्वयं जो कर रहा था वही लिखा है कि मैं इन सब लोगों को ये सब एक तो शून्यवादी हो गए, एक सब कहते थे मैं भगवान हूँ,
तो ये सब वही थे। तीनों प्रकार के लोग प्रभुपाद जी के पास आए, आसक्त भौतिकी आसक्त लोग आए जो कर्म में लगे हुए थे, दूसरा जो घर छोड़ के धंधा छोड़ के और ज्ञानी बने हम भगवान तुम भगवान वो आए, और तीसरे जो परेशान हो गए ये भी ठीक नहीं है वो भी ठीक नहीं है सुनिए बात कुछ नहीं है नचा पियो मौज करो वो आए। तो प्रभुपाद ने इन तीनों को निर्विशेष रूप शून्यवाद से मुक्त किया, और तब कोई भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। ये हमारा ये तात्पर्य पूरा हो गया। ये तात्पर्य हमने छोड़ा था उस दिन, अच्छा हुआ आपने याद कराया। तो इसमें क्या लिखा है कहाँ ये आपको देखना है, आपको प्रभुपाद जी को तात्पर्य पढ़ना सीखना चाहिए कि कौन से श्लोक के शब्द को कहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है, उसको अगर आप समझ गए तो आपको फिर बोलना आ जाएगा। अब हमारे पास 15 मिनट हैं, आप में से कोई भी दो वॉलेंटियर एक श्लोक जन्म कर्म च मे देवियम और एक श्लोक एक जो 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 आपको अच्छा लगे उस श्लोक के ऊपर 5 मिनट बोल के समझाओ सबको। किताब किताब नहीं लाना है, क्योंकि आपको भक्ति शास्त्री को पास नहीं करना है,